हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 2018 का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में 3 घंटे का पेपर रहता है, 80 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन पेपर है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, आपको यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड आपको उनमें से जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट्स हैं, आपको करने कोई भी 8 पार्ट्स होते हैं। एंड इसके बाद बात करें तो देखिए, आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली करना है, यानी कि हर एक यूनिट में से 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, करना कोई भी एक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी 8 क्वेश्चंस, किन्हीं 8 प्रश्नों का आपको यहाँ पे उत्तर करना है। पार्ट ए है, व्हाट इज चाइल्डहुड, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सी पार्ट है, डिस्क्राइब द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, जस्ट अ सेकेंड, यस। डी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देन नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं वो बताइए। एफ पार्ट है, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। जी पार्ट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण के समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। एच पार्ट है, एक्सप्लेन द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन सोसाइटी एंड स्पेशल फोकस ऑन बिहार, समाज में पहचान गठन के मुख्य निर्धारकों की व्याख्या बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे आई पार्ट, डिस्कस द जेंडर आइडेंटिटी इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, बालिका शिक्षा के लिंग भेद की चर्चा कीजिए। जे पार्ट यहाँ पे है, डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों के आयामों के अंतरों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द के पार्ट, सजेस्ट मेजर्स फॉर कैटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। हर साल पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पार्ट है, हाउ टू रिड्यूस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया अधिगमकर्ता की अधिगम कठिनाइयों को कैसे कम किया जा सकता है। अब यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, एंड कोई भी एक प्रश्न आपको करना है, जो भी आपको लगे आपको अच्छे से आता है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है यूनिट 1 से फर्स्ट क्वेश्चन। टेक्निकली चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द चीफ फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम अपने बचपन के दिनों में वापस जाना चाहते हैं, तो ऐसे क्यों कहा जाता है, क्यों चाइल्डहुड एक यूनिक पीरियड होता है सभी की लाइफ का, वो आपको बताना है। बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इसको आपको स्पष्ट करना है, व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल एंड फैमिली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के दौरान विकास में विद्यालय एवं परिवार की भूमिका की व्याख्या करनी है। देन कमिंग टू यूनिट 2, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, इल्यूसिडेट, सजेस्ट अ ब्रीफ प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रेन फॉर दिस पीरियड। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस कथन की व्याख्या करते हुए इस अवस्था के बालकों के लिए संक्षिप्त कार्यक्रम का सुझाव दीजिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एंड फैमिली इन डीलिंग विद एडोलेसेंस प्रॉब्लम, किशोरावस्था के बालकों की समस्या के निराकरण में अध्यापक एवं परिवार की भूमिका की का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6,
Define the concept of socialization. How can education play key role in socialization? समाजीकरण की धारणा को परिभाषित कीजिए. समाजीकरण में शिक्षा कैसे एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है वो बताइए. Question number 7. What do you mean by inequality? Discuss the reasons of inequality with special focus on Bihar. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. असमानता के से आप क्या समझते हैं, विशेष रूप से बिहार में असमानता के कारणों की चर्चा कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर बेस्ड ऑन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए. Question number 9. What do you understand by slow learners? Suggest the measures for the enrichment of slow learners. धीमी गति वाले जो अधिगमकर्ता होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं और इनके संवर्धन हेतु आप क्या सुझाव देंगे वो आपको लिखना है. तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 2018 का. मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन पेपर से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी. कुछ भी हेल्प मिली तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. देखिए इस यूनिवर्सिटी के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को. हमारी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के गिवन है. आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे. तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ संपर्क में जरूर आइए और नोट्स प्राप्त करिए जो कि पेड नोट्स हैं और कोरियर के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिए जाते हैं. इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में. जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का और धन्यवाद. जय हिंद. नमस्कार.